Hello and welcome to my channel. So today in this video we are going to start exercise 1.3 of class 10th. हमने chapter 1 start किया हुआ है already, जिसकी हम exercise 1.1 और 1.2 अपने पहले दो videos में कर चुके हैं. तो अब next हम start कर रहे हैं 1.3 exercise. इसमें इस exercise को करने से पहले, जिसमें आपने irrational numbers के बारे में discuss करना है, उससे पहले हम एक result करेंगे. इस result का proof भी है, but That is not for your examination. तो हम इस result को करेंगे. क्या है ये? Let P be a prime number. अगर कोई ऐसा P एक prime number है, जो P divides a square, जो किसी number के square को divide कर रहा है, तो वो उस number को भी divide करेगा. जैसे कि suppose कीजिए 2 एक number है, prime number. अगर वो किसी के square को divide करता है, 2 divides 36. ये 2 अपॉन 36 नहीं है, हम इसको बोल रहे हैं 2 डिवाइड 36. 2 डिवाइड करता है 36 को. 36 किसका स्क्वायर है? 6 का. तो 2 डिवाइड करेगा 6 को भी. इसका मतलब अगर कोई भी प्राइम नंबर, एनी प्राइम नंबर, किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा. ठीक है, ये तो हुआ ये रिजल्ट, ये किसी प्राइम नंबर के बारे में. बट एक्चुअल में हमने ये रिजल्ट क्यों करना है? हमने ये रिजल्ट यूज करना है अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. किस क्वेश्चन को? या प्रूव करने के लिए कि रूट टू जो होता है वो इरेशनल नंबर होता है. क्लास 9th में आप लोग ये रूट टू को, रूट थ्री को नंबर लाइंस पे एक्सप्रेस कर चुके हो, बट देयर यू डिड नॉट प्रूव कि रूट टू इज इरेशनल. आपने ये पढ़ा था, हम ये पढ़ते आ रहे हैं कि रूट टू इज इरेशनल. रूट टू इरेशनल होता है, रूट थ्री इरेशनल होता है, रूट फाइव इरेशनल होता है, बट हमने कभी प्रूफ नहीं किया कि रूट टू इरेशनल कैसे होता है. ठीक है, हम इसको प्रूफ करेंगे विद द हेल्प ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन. कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या होता है? कॉन्ट्राडिक्शन मेथड ये होता है कि हमें जो प्रूफ करना है, हम कॉन्ट्राडिक्ट करके हम उससे उल्टा सपोज कर लेते हैं कि लेट रूट टू इज रैशनल. हमें प्रूफ क्या करना है? कि रूट टू इरेशनल है, बट हमने सपोज क्या कर लिया? कि रूट टू रैशनल है. अगर रूट टू रैशनल है, दिस इंप्लाइज रूट टू इक्वल टू ए बाय बी. रूट टू को हम पी बाय क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं. रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं, ये मैं डिस्कस कर चुकी हूँ फर्स्ट वीडियो में. रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं? वो नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू सच दैट क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, वो रैशनल नंबर्स होते हैं. ठीक है, रूट टू इज इक्वल टू ए बाय बी, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम नंबर्स. कौन से होते हैं? जिनमें आपस में कुछ कॉमन नहीं होता एक्सेप्ट वन. जैसे कि सपोज कीजिए ये कुछ भी हो, सपोज कीजिए ये 2/4 हो, तो मैं इसको काट के 1/2 लिख सकती हूँ. मतलब फाइनली हमें कौन सी फॉर्म लेनी है? ऐसी फॉर्म जिसमें कुछ कॉमन ना हो. ये हमने मान लिया ए बाय बी, मान लिया जिसमें ए और बी में कुछ भी कॉमन ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है. रूट टू को हमने क्या मान लिया? ए बाय बी मान लिया. एनी प्रॉब्लम? हो गया, कुछ भी नहीं किया हमने. हमें प्रूफ करना था इरेशनल, और हमने लिया क्या? हमने मान लिया कि लेट रूट टू इज इरेशनल. लास्ट में हम ये प्रूफ कर देंगे कि ये जो हमने प्रूफ किया, जो हमने सपोज किया, वो ठीक नहीं है, इसका मतलब इरेशनल होगा. ओके, देखिए दिस इंप्लाइज ए इक्वल टू क्या हो गया? बी रूट टू हो गया. मैंने सिर्फ बी को यहां पे मल्टीप्लाई कर दिया. आई डिड नॉट डू एनीथिंग एल्स. उसके बाद स्क्वेयरिंग बोथ साइड स्क्वायर कर सकते हैं. क्या मिलेगा हमें? ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, और टू का रूट टू का स्क्वायर क्या होता है? 2. दिस इंप्लाइज ए स्क्वायर इक्वल टू 2b स्क्वायर. अगर इसका मतलब 2 यहां पे अगर आ जाए, ये वाला 2 यहां पे आ जाए, ए स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू बी स्क्वायर हो जाएगा.
है ना, दिस इंप्लाइज टू डिवाइड्स ए स्क्वायर। यहां तक कुछ प्रॉब्लम नहीं? अगर है प्रॉब्लम तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछिए। रूट टू को हमने ए बाय बी सपोज कर लिया, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम। ए इज इक्वल टू क्या हो गया, बी रूट टू हो गया, और स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दिया। स्क्वेयरिंग बोथ साइड करते ही यहाँ पे क्या आया, ए स्क्वायर इज इक्वल टू टू बी स्क्वायर। इसका मतलब जो ये टू है वो ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, टू डिवाइड्स ए स्क्वायर। बट अभी हमने एक रिजल्ट किया था, वो रिजल्ट क्या था कि अगर कोई प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है, दिस इंप्लाइज टू डिवाइड्स ए। ओके, अगर टू ए को डिवाइड करता है इसका मतलब ए क्या होगा, टू का कोई भी मल्टीपल होगा। अगर टू ए को डिवाइड करता है दैट मीन्स टू जो होगा वो ए का कोई भी मल्टीपल होगा। ठीक है, ए इज इक्वल टू टू सी क्योंकि टू ए को डिवाइड करता है। नाउ अगर टू ए को डिवाइड करता है, दिस इंप्लाइज स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, क्या मिलेगा आपको, ए स्क्वायर इज इक्वल टू फोर सी स्क्वायर, ये मिल गया। अब अगर हमें ये मिल गया, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, क्या हम ए की ये वैल्यू यहां पे डाल सकते हैं सेकेंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन में, पुट द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर फ्रॉम टू इन वन, क्या मिल जाएगा आपको, फोर सी स्क्वायर इज इक्वल टू टू बी स्क्वायर। ओके, अगर ये आपका फोर सी स्क्वायर इक्वल टू टू बी स्क्वायर आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, बी स्क्वायर इज इक्वल टू टू सी स्क्वायर हुआ। बताइए, फोर सी स्क्वायर इज इक्वल टू टू बी स्क्वायर है, ये टू यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, टू और फोर से क्या बचेगा, बी स्क्वायर यहाँ लिख लिया इक्वल टू टू सी स्क्वायर। दिस इंप्लाइज बी स्क्वायर इक्वल टू क्या है, टू सी स्क्वायर। दिस इंप्लाइज टू डिवाइड्स बी स्क्वायर, है ना, टू जो करता है ऐसे नहीं लिख के हम क्या लिख देते हैं, टू डिवाइड्स बी स्क्वायर, इसका मतलब टू बी स्क्वायर को भी डिवाइड करता है। दिस इंप्लाइज अगर टू कोई भी प्राइम नंबर, वही सेम रीजन, किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, दैट मीन्स टू डिवाइड्स बी। अब टू जो है वो ए को भी डिवाइड कर रहा है और टू जो है वो बी को भी डिवाइड कर रहा है, बट वी नो दैट ए एंड बी आर कोप्राइम। कोप्राइम नंबर कौन से होते हैं, जिनमें वन के अलावा कोई भी कॉमन नहीं होता, बट हमारा सॉल्व होके क्या आ गया कि दोनों को टू डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब टू दोनों के कॉमन है। ठीक है, दैट मीन्स अवर अजम्पशन इज रॉन्ग, समझे बात को, दैट मीन्स अवर अजम्पशन इज रॉन्ग। हम यहां पे क्या लिखेंगे, यहां लिख दूं मैं, दिस इंप्लाइज अवर अजम्पशन, क्या अजम्पशन थी हमारी, कि रूट टू रैशनल है, इज रॉन्ग, एंड हेंस रूट टू इज इरेशनल। ठीक है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है इसमें, हमारे पास ये कोई भी नंबर रूट टू की जगह रूट थ्री होता तो भी हम यही करते, रूट थ्री को इरेशनल प्रूफ करना है तो हम क्या ले लेंगे, लेट रूट थ्री इज रैशनल, लेट रूट थ्री इज रैशनल, दैट मीन्स रूट थ्री को क्या ले लिया, ए बाय बी, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम। सेम प्रोसीजर हम करेंगे, दिस इंप्लाइज ए इज इक्वल टू बी रूट थ्री, आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो आपको यही मिलेगा, रूट थ्री का स्क्वायर थ्री, दैट मीन्स थ्री डिवाइड्स ए स्क्वायर। कोई भी प्राइम किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो उसको वो नंबर, वो प्राइम उस नंबर को भी डिवाइड करेगा, थ्री डिवाइड्स ए, दिस इंप्लाइज ए इज इक्वल टू थ्री सी। फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो क्या मिलेगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू नाइन सी स्क्वायर, यहाँ वैल्यू डालोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, बी स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री सी स्क्वायर, फिर थ्री डिवाइड्स बी स्क्वायर, थ्री डिवाइड्स बी, फिर से आपको क्या मिल गया, इसका मतलब कि यार अजम्पशन इज रॉन्ग एंड रूट थ्री इज, क्योंकि दोनों का कॉमन केवल थ्री मिल गया, पर दोनों का कॉमन कुछ भी नहीं मिलना चाहिए, अगर दोनों का कॉमन कुछ मिल रहा है दैट मीन्स दे आर नॉट को प्राइम। को प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनमें कुछ भी कॉमन
नहीं होता, ठीक है। तो अब हमें इनका कॉमन मिल रहा है, दैट मीन्स आर अजम्पशन इज रॉन्ग। यही होता है मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, कि हम सपोज जो करके चलते हैं हम उसी को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं कि जो हमने जो सपोज किया दैट इज रॉन्ग। तो ये हुआ हमारा कि रूट टू, रूट थ्री, सिमिलरली आपका रूट फाइव भी प्रूफ हो जाएगा। आप वो प्रूफ करिए और मुझे बताइए कि वो उसमें क्या आपको डिफिकल्टी आई, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस बहुत सिंपल हैं और ऐसा क्वेश्चन आने के चांसेस जरूर होते हैं, क्योंकि इस एक्सरसाइज 1.3 में सिर्फ इस टाइप के ही क्वेश्चन है, रूट टू, रूट थ्री, रूट फाइव, या फिर इनसे कोई रिलेटेड, रूट थ्री प्लस टू कर दिया या इससे रिलेटेड, ठीक है। और वो भी उनके लिए भी सिर्फ आपको ये दो प्रूफ आने चाहिए, रूट टू, रूट थ्री, रूट फाइव। एक प्रूफ भी अगर आपने ढंग से कर लिया उसके अकॉर्डिंग आपके सारे प्रूफ अपने आप बन जाते हैं, ठीक है। आपको सिर्फ ये मेथड फॉलो करना है। अगर थोड़ा सा क्लियर ना हो तो एक बार आप दोबारा देखिए, क्लियर बहुत अच्छे से हो जाएगा आपको। और कोई भी डाउट आए तो प्लीज मुझे पूछिए कमेंट सेक्शन में। और वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो, आपको समझ आ रहा हो, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।